हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 3M व्लॉग्स। माय नेम इज त्रिलोचन और ये मेरा आई थिंक सो एथ व्लॉग है। इसके पहले मैंने मेरा बर्थडे वाला व्लॉग अपलोड किया था, सो अगर वो आपको अच्छा लगा था तो प्लीज़ इस वाले व्लॉग में कमेंट करो। अगर वो व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, यू विल इन्जॉय। और कहना चाहता हूँ कि मैं डुबनोविक से निकल कर मैं जागरेब आ चुका हूँ और फिलहाल के लिए तो यहाँ पर काम ढूँढ रहा हूँ। काम मिल रहा भी है, देखता हूँ कैसे जाता है आगे का सफ़र। आके मुझे 4 days हो चुके हैं यहाँ पर आकर और लेट्स सी हाउ थिंग्स विल वर्क आउट हियर। और नज़ारा तो बहुत अच्छा है, ठंडी बहुत है अभी, ऑलमोस्ट इट्स लाइक 11 degrees। जैसे जैसे शाम होती जाती है तो 7 तक चले जाता है और ये माइनस में भी जाने वाला है शायद से। सो एन्जॉइंग द टेम्परेचर, द वेदर सो कोल्ड। और नज़ारा तो क्या बताऊँ आपको मैं, क्या नज़ारा है यहाँ पे, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। मैं एक्चुअली रुका हूँ एग्जैक्ट मेन स्क्वायर में हूँ मैं, जो सेंटर ऑफ जागरेब है, द कैपिटल। सो एक बार ये चेक कीजिए, आपको ये देखिए व्यू, आपको कितना मज़ा आएगा देखकर। ये देखिए कैसा था नज़ारा, मज़ा आ गया ना देखकर। मैं भी जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया तो मैं भी अमेज्ड हो गया था। जो डुबनोविक में नज़ारे थे वो बहुत नेचुरली ग्रीन थे और यहाँ पे भी स्प्रिंग का टाइम है, लाइक ऑटम स्टार्ट होने वाला है तो पतझड़ का टाइम है। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है चीज़ें यहाँ पर। और मैं एग्जैक्ट अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं हूँ, ये मेरे पीछे की तरफ है रेलवे स्टेशन यहाँ का, जागरेब का मेन रेलवे स्टेशन। लाइक हमारा CST कैसा है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, सेम उनका भी यहाँ पे है। इनका नाम है क्लेवडी कोल्डोवार। और यहाँ पे मेरे पीछे एक स्टैचू है जो यहाँ के लोग बोलते हैं इसको घोड़ा पार्क, मतलब जो नेपाली और इंडियन से बांग्लादेश है उनको घोड़ा पार्क कहते हैं लोग यहाँ पे। अरे कहना क्या चाहते हो। सो इस घोड़े के पीछे आप देख रहे हो एक बड़ा सा विला, एक लाइक अ मैंशन, पता नहीं क्या है वो, बट लुक डैम सेक्सी, क्या व्यू है। और ये पूरा एरिया वहाँ पर आपको दिखेंगे ट्रेन्स, दोज आर ऑल ट्रेन्स देयर। और ये ट्रैम आ रहा है, हमारे यहाँ पे मुंबई में भी ट्रैम चलते थे बट बंद हो गया ऑलमोस्ट। उसको बंद हो के कुछ 30 साल हो चुके होंगे शायद, 30 या 25, मुझे पता नहीं। अगर कोई देख रहा है जिनको पता है ट्रैम थे मुंबई में भी, वो नीचे कमेंट करके बताइए। और बताइए इंडिया में अभी ट्रैम कहाँ पे चल रहा है, सिर्फ एक ही सिटी है जहाँ पे ट्रैम चल रहे हैं इंडिया में। क्या बात है सर, ये बात है। एक दोस्त आने वाला है, उससे मिलने वाला हूँ मैं अभी, वो आने वाला है मिलने, तो उसके लिए गिफ्ट रखा हूँ पीछे बैग में, सो उसको देना है मुझे। डुबनोविक से आने के टाइम मैंने उसको बोला था कि मैं विल गिव यू, सो गिफ्ट क्या है वो भी थोड़ी देर में जब वो आएगा तब दिखाता हूँ आपको। मैं आपको स्ट्रीट्स दिखाता हूँ जागरेब के, आगे पीछे देखिए ऐसा है। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया जब मुझे एग्जैक्ट सेम हमारे टाउन जैसा लगा, लाइक मुंबई में जब टाउन आप टाउन की तरफ जाते हैं मुंबई में, सेम यही गलियाँ है, सेम रोड्स है, द सेम व्यू। एक्चुअली मैं भी शायद वो सब जो ब्रिटिशर्स वाले जो आर्किटेक्चर्स है वो लोग सब यही तरीके की बिल्डिंग्स बनाते, तो हमारे यहाँ पे भी उन्होंने यही कंस्ट्रक्शन किया था। यहाँ पे तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस नहीं था बट उनका बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स सब सेम ही आर्किटेक्चर यहाँ पे।
देखता हूँ टाइम हो रहा है 12:30, इधर विंटर है आज, तो आज एक घंटा पीछे चला गया टाइम। सो आफ्टर दिस मे बी फिर समर में वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी इंडिया में और यहाँ पे फ़र्क हो गया ऑलमोस्ट 4.5 घंटे का फ़र्क है, अभी मुझे पता चला, क्योंकि डेली कैसा नॉर्मली मैं सेम टाइम पर कॉल कर रहा था, बट अब जब कॉल किया तो मुझे पता चला कि टाइम पीछे जा चुका है। यहाँ पर ये होता है, यहाँ पे मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ में, US में भी ऐसे ही था मेरे साथ, उधर भी ऐसे विंटर के टाइम पे टाइम पीछे चले जाता था और समर के टाइम पे टाइम आ गए। इट मीन्स लाइक डे शॉर्टर हो जाता है देन नाइट इन विंटर्स, और इन समर्स डेज आर लॉन्गर देन विंटर्स, सो इसलिए वो टाइम डिफरेंस हो जाता है थोड़ा। है बहुत पुराने पुराने आर्किटेक्चर है यहाँ पे, लाइक ऑलमोस्ट बोलते मे बी 100 years ओल्ड। बनाते बनाते मैं आ चुका हॉस्टल पे जहाँ पे मैं रुका हूँ, लाइक आफ्टर 2 days मैं शिफ्ट होने वाला हूँ, जहाँ पे मुझे अकोमोडेशन मिला है न्यू जॉब के लिए। सो मैं जहाँ पे रुका हॉस्टल में, देयर इज़ वन गाय हियर, ही इज़ फ्रॉम कोलंबिया, और मैं उनके इंस्टाग्राम के पेज पे गया हूँ, ही इज़ फैंटास्टिक, लाइक ऑसम। उनका वर्क आप देखो, जिमनास्टिक्स देखना, उनके अलग अलग कर्तव्य देखना, ही वर्क्स इन द सर्कस लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड, जापान गए, टर्की गए वो। लाइक इट्स सो ऑसम, लाइक अच्छा लगता है जब आप हॉस्टल्स में रुकते हो, यू मीट न्यू पीपल। सो आई टॉट हिम समथिंग इन हिंदी, हिंदी में कुछ सिखाया, वो बोलेंगे धन्यवाद सी, धन्यवाद उनको सिखाया, उन्होंने मुझे सिखाया स्पैनिश में, लाइक कोलंबियन में, से ग्रासियस, मुचा ग्रासियस। सो उनका जो पेज है इंस्टाग्राम का, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको वक्त मिलता है जाके एक बार चेक कीजिए, इज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। और मैं चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब के थ्रू ऐसे आर्टिस्ट ऊपर आए और उनको आप देखें, इंडिया में जितने भी लोग देख रहे हैं अभी इस ब्लॉग को, प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में जाना, उनका मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा नीचे, सो आप उस पर क्लिक करना एंड यू विल सी, प्लीज़ फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, यू विल एंजॉय हिज पेज, ही इज़ एन ऑसम आर्टिस्ट। सी यू गाइस, धन्यवाद। सो जिस फ्रेंड का वेट कर रहा था वो अब तक आया नहीं है, सो मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर दूँ। सो अभी इससे पहले आप एक फ्रेंड से मिले थे जो मेरे यहाँ पे हॉस्टल में था, वो कोलंबिया से थे, और अब मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ यहाँ पर विथ वन मोर फ्रेंड जो फिलीपींस है, एंड हियर इज द गाय, इज फ्रॉम फिलीपींस। सो वी ऑल स्टे इन दिस हॉस्टल मे बी प्रॉब्ली फॉर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू डेज वी ऑल मूव टू आवर ओन प्लेसेस, लाइक ही विल गो टू हिज अकोमोडेशन, आई विल गो टू माई अकोमोडेशन, वी ऑल वर्क हियर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, वी कम हियर क्रोएशिया टू हैव अ गुड लाइफ and make our family have a good life in our country. In our country, yeah. So the good thing is that like we met today, yesterday. We met yesterday, and like bolte na, you're far from the family, but you have family wherever you go. See, he brought food for me, he brought beer for me. Fun. Unfortunately, I don't drink beer, but thank you so much. Thank you. No problem. Thank you so much. सो ऑन दिस नोट आई विल एंड द व्लॉग हियर। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, बेल आइकन का दबा के रखना, एंड लेट मी नो इफ यू लाइकिंग द व्लॉग, प्लीज़ कमेंट बिलो। सी यू इन अनदर व्लॉग, टिल दैट टाइम, हास्ता ला विस्ता, अलविदा।